हेलो दोस्तों, टेक गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें अप्रेंटिस के लिए कुछ वैकेंसी है, तो चलिए बिना देरी किए देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन रखा है उन्होंने, क्या एज लिमिट रखी है और क्या स्टिपेंड देंगे, ये सभी को देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप हमारे टेक गुरुजी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे टेक गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आए तो उससे आप वंचित ना रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, हम यहाँ पे HAL की होम साइट पर हैं। यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, और यहाँ से अब हम प्रेस करेंगे कैरियर पर। यहाँ हमारा कैरियर ओपन हो गया है। इसमें जो है यहाँ से डिवीजन चूज कर लेंगे कि किस डिवीजन में, तो हमारा ये जो है लखनऊ डिवीजन में वैकेंसी आया है। यहाँ देखिए आ गया। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से देखिए इसका जो है दिया हुआ है कि आपका जॉब पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये आपका जो अप्रेंटिस का रहेगा ये 1961 के तहत ट्रेनिंग कराया जाएगा और ये जो आपका लखनऊ में ट्रेनिंग होगा, लखनऊ के HAL ब्रांच में। फिर उसके बाद अगर इसकी लास्ट डेट की बात करें तो ये 18 जून 2021 है और 1 जून 2021 को फॉर्म ऑनलाइन होना चालू हुआ है। तो यहाँ से नोटिफिकेशन देख लेते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हम नोटिफिकेशन को देख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों शैक्षिक योग्यता के विषय में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिक, इन सभी को जो है हाई स्कूल में विज्ञान गणित होना चाहिए तभी यह अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। प्रशिक्षण की अवधि यहाँ पे देखिए 1 ईयर है। यहाँ पे दोस्तों जो है HAL की तरफ से ये नहीं क्लियर किया गया है कि किन ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने ट्रेड तो बता दिया है कि इन ट्रेड के स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, ये जो है ये सब अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी होम साइट से जाकर अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा।